माता की, भारत माता की, वंदे 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 भैया हमारी यात्रा में जिनके नेतृत्व में ये यात्रा भाग्य नगर की भाग्य लक्ष्मी का दर्शन लेकर निकली है वो हमारे राज्य के अध्यक्ष पंडित संजय जी, हमारे सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जिस प्रकार से इस यात्रा को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरा विश्वास है अब तेलंगाना परिवर्तन की ओर जा रहा है। टीआरएस का मिसरूल देखा, अनाचार अत्याचार दुराचार और भ्रष्टाचार, विशेष दिन रेजिम ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचारी इस प्रकार के रेजिम रही है और हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी, इनको तेलंगाना की चिंता नहीं है, उनको चिंता किसकी है, केसीआर की चिंता है, उनको चिंता अपने बच्चों की है, बच्चे की है, भाइयों की है, भाभी की है, उनको चिंता परिवार की है, लेकिन पंडित संजय जी के लिए परिवार ये सारा परिवार है, ये पूरा तेलंगाना उनका परिवार है। देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश बदल रहा है, भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, भारत ने अपनी एक प्रतिमा बनाई है और मोदी जी ने क्या किया, गरीब कल्याण की योजनाएं लाई, गरीब कल्याण की मोदी जी इस गवर्नमेंट हैज बीन अ प्रो पुअर गवर्नमेंट, इट हैज बीन अ गवर्नमेंट ऑफ फार्मर्स, रेतु की सरकार मोदी सरकार, रेतु की सरकार मोदी सरकार, मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 10 लाख मकान, 10 लाख हाउसेस और कंस्ट्रक्टर इन महाराष्ट्र, 10 लाख मकान, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मोदी जी ने तेलंगाना के गरीबों को भी मकान के लिए केसीआर साहब आपको पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ गया, अरे सपना तो दिखाया डबल बेडरूम का, डबल बेडरूम छोड़ दीजिए, बाथरूम भी नहीं दिया, ऐसी हालत है तेलंगाना में कर दी, नया बाथरूम मिला, ना शौचालय मिला, ना गैस मिला, अरे जो जो योजनाएं मोदी जी ने लाई उनको रोकने का काम ये टीआरएस की सरकार ने यहाँ पर किया है। और आज अवस्था क्या है, अरे गाड़ी तो टीआरएस की है लेकिन इसको चला कौन रहा है, इसको चला रहा एमआईएम है, एमआईएम टीआरएस की गाड़ी में ड्राइवर एमआईएम का है, अब ये लोग समझते हैं फिर एक बार निजामकार रजाकारों का राज यहाँ लाएंगे, अरे जब तक मोदी जी दिल्ली में है तब तक यहाँ पर कोई भी निजाम का राज नहीं आ सकता। सरदार पटेल जी ने बलिदान देकर 17 सितंबर 1948 को महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और हमारा हैदराबाद और तेलंगाना इसको मुक्त किया और इसको भारत
लेकिन कुछ लोग भारत के संविधान को मानने से भी इनकार करते हैं। अरे ओवैसी जी, भारत में रहना है तो भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। भारत के संविधान को उतार कर भारत में आप नहीं रह सकते। और इससे अलग जगाना है, जिस प्रकार से हमारे ही देश में हमको पराया किया जा रहा है, इस देश के अंदर तेलंगाना के अंदर ये दो पार्टियां मिलकर जिस प्रकार का काम करती है, अरे मुसलमानों को आपने 12% आरक्षण देने की कोशिश की। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे देश के, हमारे मोदी जी ने घर दिया तो पूछा नहीं क्या क्या है, हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया, जैन को भी दिया, बौद्ध को भी दिया। हमारे मोदी जी ने पूछा नहीं जब गैस सिलेंडर दिया तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, सभी को उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का आरक्षण छीन कर अगर आप अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी को देंगे तो आदिवासी चुप बैठने वाला नहीं है। मेरे ट्राइबल का आरक्षण अगर छीन कर संविधान के खिलाफ जाकर, अरे अगर भारत के संविधान को आप मानते हो तो भारत के संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने से मना किया है। फिर चुनाव भी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लेकिन आप रिलीजन से तो आरक्षण देने को तैयार हो लेकिन तेलंगाना के गरीब को उसका हक देने को तैयार नहीं हो। और इसीलिए ये यात्रा निकली है। अरे पंडित संजय जी ने एक अलग जगाया है, चार मीनार के सामने महालक्ष्मी के आशीर्वाद से जय श्री राम का नारा गूंजा और ये हमारी यात्रा चली है। अरे ये जय श्री राम का नारा तेलंगाना में कोई रोक नहीं सकता। अरे जी श्री राम का नारा ये सांप्रदायिक नारा नहीं है, राम तो हमारे खून में बसते हैं, हमारे रक्त में बसते हैं। अरे हमको राम जी के ही सपूत है, पूरा भारत राम जी का है। और इसलिए इस नारे को रोकने की कोशिश टीआरएस और एमआईएम ने करना नहीं चाहिए, ये चेतावनी मैं उनको देता हूँ। अभी हम गए थे किसानों के पास, रेतू के पास, उनका दुख हमने देखा। उन्होंने कहा रेतू बंधु नाम की योजना थी उसमें तो कुछ मिला नहीं, पर मोदी जी की योजना में जो मुफ्त की सब्सिडी मिलती थी सारी सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी। मतलब जो दिया वो तो नहीं दिया और जो बोला वो नहीं किया। इस प्रकार की सरकार को बदलने का वक्त आया है, ये परिवर्तन की यात्रा है। इस यात्रा से तेलंगाना में एक ऐसी परिवर्तन की मशाल चलेगी कि जिसके कारण आने वाले विधानसभा के चुनाव में टीआरएस नीचे आएगी और बीजेपी झंडा फहराएगी। कल मैं सुन रहा था कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि टीआरएस और बीजेपी तेलंगाना में झगड़ते हैं और दिल्ली में साथ है। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, अरे अपने गिरे बार में झांक कर देखो, तुम हो कहाँ? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कांग्रेस को, माइक्रोस्कोप से। अरे उस समय के आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी वो तेलंगाना में बची, आंध्र प्रदेश में बची, केवल वहां जाकर बयान देते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट ये जनता के साथ है, तेलंगाना की जनता के साथ। और तेलंगाना की जनता को न्याय देने के लिए पंडित संजय जी के नेतृत्व में यहाँ पर टीआरएस क्या, केसीआर क्या, एमआईएम क्या, कोई भी फायदा लाभ आ जाए उसके साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अवर कमिटमेंट इज नॉट टू पावर, अवर कमिटमेंट इज टू पीपल। हम पावर के लिए नहीं, जनता के लिए लगने वाले लोग हैं। और पंडित संजय जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेलंगाना के लोग परिवर्तन चाहते थे पर कोई सामने नहीं आ रहा था। टीआरएस क्यों जीती? टीआरएस केवल इसलिए जीती कि लोगों को ये पता नहीं था कि टीआरएस को कौन हरा सकता है। पर अब आपने नेतृत्व दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जगाया है। और अब लोग जानते हैं पंडित संजय जी कि टीआरएस को अगर कोई हराएगा तो बीजेपी हराएगी, आपके नेतृत्व में हराएगी।
इस यात्रा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और पूरे महाराष्ट्र की ओर से और नेशनल बीजेपी की ओर से इस यात्रा को शुभकामनाएं देता हूँ, अपना सपोर्ट देता हूँ। यात्रा पूरी कीजिए, परिवर्तन कीजिए और जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक घर पे मत जाइए, तब तक लोगों के बीच ही रहिए। इतना ही कहता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र।